नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके केस बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी पर्टिकुलर मेडिसिन एज ए सिम्टम के अकॉर्डिंग। तो जैसे आपके सिम्टम होंगे आप उस अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉक्टर्नल एनुरेसिस। नॉक्टर्नल एनुरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग, मतलब बच्चा जो होगा बेड को गीला कर देगा। चाइल्ड बेड वेट ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बेड को गीला कर देते हैं और ड्यूरिंग स्लीप और रात के समय में स्पेशली उसे बोलते हैं नॉक्टर्नल एनुरेसिस। और ये कॉमन देखी जाती है, जो एज ग्रुप इनकी होती है 0 से 8 ईयर तक होती है। इनमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें ब्लैडर पे जो होता है कंट्रोल कम होता है, जिसकी वजह से बच्चे नॉक्टर्नल एनुरेसिस के शिकार हो जाते हैं और बच्चे पेशाब करने लगते हैं। तो ये जनरली कॉमन माना जाता है 0 से 8 ईयर। अगर इसके बाद होता है तो ये प्रॉब्लम होती है और उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं इनके। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है हमारी सीपिया 200। नॉक्टर्नल एनुरेसिस एज सुन एज द चाइल्ड गोज टू स्लिप। इसके सिम्टम ये हैं कि जैसे ही बच्चा सोने जाएगा वैसे ही इसको रात में नॉक्टर्नल एनुरेसिस की दिक्कत हो जाएगी। वैसे ये बेड को गीला कर देगा पहले ही स्लिप के दौरान। इसके नेक्स्ट सिम्टम है सीपिया के, यूरिन इज वेरी मच ऑफेंसिव प्रोफेज। और इसके जो यूरिन होंगी वो कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बदबूदार होगी। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों क्रियोसोटम 200 पोटेंसी। नॉक्टर्नल एनुरेसिस ड्यूरिंग फर्स्ट स्लिप। इसके भी सिम्टम जैसे सीपिया के होंगे सेम वैसे ही होंगे, बट नेक्स्ट सिम्टम और क्या है इसके, चाइल्ड ड्रीम ऑफ यूरिनेशन। बच्चे को लगेगा जैसे कि मैं सपने में पेशाब कर दे रहा हूँ और उसी टाइम ये पेशाब करता है। चाइल्ड ग्राइंडिंग टीथ इन स्लिप। और क्या करेगा, एक सिम्टम ये भी आपको मिलेगा क्रियोसोट की कंडीशन में कि बच्चा जो अपने दांत को रगड़ेगा, ग्राइंडिंग करेगा। और एक सिम्टम साथ में जो सीपिया का आपने पढ़ा ऊपर वो भी इसमें मिलेगा, हालांकि हमने रिमार्क नहीं किया क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होगी। इसमें भी जो होते हैं डिस्चार्ज होते हैं सारे बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, पुट्रिड होते हैं। हमारी थर्ड मेडिसिन है दोस्तों मैग्नीशिया फास्फोरिका 200 पोटेंसी, या आप फ्रिक्वेंटली रिपीट करना चाहें तो 6x में भी ले सकते हैं, मगर हमने जो यूज किया 200 का तो आपको 200 ही बताएंगे। नॉक्टर्नल एनुरेसिस आफ्टर कैथेटराइजेशन, मतलब नॉक्टर्नल एनुरेसिस उनमें होती है जो कैथेटराइजेशन हुआ होता है, जिनका कभी भी कैथेटर लगे होते हैं और उनको बार बार पेशाब की दिक्कत हो जाती है रात में, तो उन चिल्ड्रेन में या फिर एडल्ट की केस में भी ये मिलता है तो उनमें ये दिया जाता है। एनुरेसिस आल्सो नर्वस इरिटेशन। और पेशाब कैसे होती है, जो नर्वस सिस्टम का इरिटेशन होता है उसकी वजह से होती है। यूरिन पेल प्रोफेज, और इसकी जो यूरिन होती है पेशाब होती है वो पीली होती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम 200 की पावर, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको हमने बहुत बार अपने प्रैक्टिस में यूज किया है। एनुरेसिस ड्यूरिंग कफिंग टॉकिंग लाफिंग। एनुरेसिस कब होगी, जब पेशेंट बोलेगा बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कफिंग करेगा, खांसेगा और बहुत ज़्यादा हंसेगा, उस कंडीशन में क्या होगी, पेशाब बहुत जल्दी लगेगी इसको बच्चे को। ड्रेसिस आफ्टर लेवर आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन, और किस कंडीशन में होगी, ड्रेसेस आफ्टर लेबर की कंडीशन में, आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन कोई हुआ हो उस कंडीशन में कॉस्टिकम को हम दे सकते हैं, क्योंकि पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर की भी कंडीशन आ जाती है। यूरिन ब्लैक क्लाउडी वाइट ऑफेंसी, और इसका जो यूरिन होता है कैसा होगा, ब्लैक होगा, क्लाउडी होगा, दुधला होगा, वाइट होगा, ऑफेंसिव होगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों सीना मेरिटिमा 30 पोटेंसी। चाइल्ड बेड वेट
ड्यू टू वार्म इन्फेक्शन। और चिल्ड्रेन में जो वेट बेटिंग होगी वो कैसे होगी, वार्म इन्फेक्शन की वजह से होंगी। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लीप, इसमें भी बच्चा क्या होगा, दांत को अपने ग्राइंडिंग करेगा, कुतरेगा, ठीक है, रगड़ेगा। चाइल्ड आल्सो ईट अनडाइजेस्टेड फूड, और चिल्ड्रेन क्या करेगा, आई लाइक एलमुना की तरह अनडाइजेस्टेबल थिंग्स को ईटिंग करेगा, जैसे चौक, खड़िया, ये सब चीज़ें, मिट्टी वगैरह, ये सब चीज़ें खाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कालीफास, इसको आप 3x या 6x की पावर में आप यूज कर सकते हैं। इसके सिम्टम है दोस्तों एनोरेसिस ड्यू टू मेंटल वीकनेस और अनकंट्रोल्ड नर्वस सिस्टम। तो कालीफास हम उस कंडीशन में देंगे जब बच्चे में एनोरेसिस होगी मेंटल वीकनेस की वजह से या अनकंट्रोल होगा उसका नर्वस सिस्टम, उस कंडीशन में आप 3x या 6x की पावर को आप जो है दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके नेक्स्ट सिम्टम है कालीफास के, ड्यूरिंग स्लीप चिल्ड्रेन लुक फियरफुल ड्रीम्स, और बच्चा जो है सपने देखेगा, कैसा, डरावने सपने देखेगा, उस कंडीशन में वो पेशाब कर देगा। चाइल्ड वेक एट नाइट, और बच्चा पेशाब करने के बाद जग भी जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एक्यूसिटम हाइमनेल, इसके क्यू देते हैं हम, और इसके जो सिम्टम होते हैं नॉक्टर्नल एज वेल एज डायर्नल एनोरेसिस। तो रात में और दिन में दोनों कंडीशन में सोते समय बच्चे को पेशाब हो, ठीक है, और साथ साथ में यूरिन इज वेरी क्लियर एंड परफ्यूज वाटरी, और जो इसकी पेशाब हो बहुत ज़्यादा हो और वाटरी हो। तो दोस्तों ये रही पर्टिकुलर कुछ मेडिसिनें जो सिम्टम के आधार पर आपको मिलती हैं, तो ये आप दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं दोस्तों। थैंक यू।